हम लोगों ने उसकी जांच की, जांच के क्रम में पता चला कि उनको सांस में दिक्कत हो रही है और नाक में भी दिक्कत हो रही है। जब हम लोगों ने नाक का एग्जामिनेशन किया तब उसमें इस फंगस का पता चला और उसका ट्रीटमेंट हम लोगों ने शुरू किया। मरीज में अभी काफ़ी सुधार है। ये संक्रमण जो है वो मैंने पहले ही बताया कि ये इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज मरीज में होता, हर मरीज को ये बीमारी नहीं हो सकती है और ये वायरल बीमारी नहीं है, ये वायरस के साथ एक फंगस बीमारी है जो सुपर इम्पोज वायरस के साथ हो रहा है। कहा जाता है कि इसमें डेथ रेट बहुत ज़्यादा होता है, 50% से ज़्यादा डेथ रेट है। आपको मैं बता दूं कि जो भी मरीज है वो सांस की दिक्कत लेके है, तो एक तो सांस की दिक्कत, उसके बाद उसका नाक बंद हो जाए तो सांस बिल्कुल नहीं जा पाता है, वैसे में घातक हो सकता है। तो तीसरा लहर मान लें क्या है कोरोना का? नहीं, ये तीसरा लहर नहीं है, ये कॉम्प्लिकेशन एक है दूसरे लहर का।